वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स का सोल जर्नी के इस 14th डे के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ द सोल। दोस्तों, क्या सोल यानी आत्मा की भी कोई उम्र होती है? क्या उसके भी कोई स्टेजेस होते हैं? ये इस विषय में आज हम जानेंगे चंचल शेट्टी से। वास्तविक रूप में और जीवन में ऐसा कहते हैं कि बचपन से लेकर एक आम मनुष्य की जीवन जो आयु होती है वो 80-90 वर्ष तक में होती है। तो हम कहते हैं छोटा बाल शिशु है, यानी कि वो अभी इन्फेंट है, फिर बेबी है यानी चाइल्ड सोल है, और उसके बाद यंग सोल, फिर मैच्योर सोल, फिर ओल्ड। तो यानी कि जैसे जैसे वो उम्र लेता जाता है वैसे वैसे उसकी स्टेजेस बदलती जाती है, लेकिन आत्मा के रूप में ऐसा नहीं होता। तो इन ह्यूमन लाइफ में भी हम ये कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। हम जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर 80 साल का है तो वो उम्र से ओल्ड है, लेकिन आत्मिक रूप से क्या वो वाकई ओल्ड है? ये एक बहुत गहन विषय है। हो सकता है कि आत्मिक रूप से वो एक बेबी सोल हो या यंग सोल भी हो सकता है। तो सोल अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से महसूस करती है, अलग तरह से वो कार्य करती है, पर ह्यूमन लाइफ की जो एज होती है, जो उसके स्टेजेस होते हैं, उस तरह से ही सोल की भी स्टेजेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उनके फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस सोल के बिल्कुल अलग होते हैं। तो इन चीज़ों को हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे। जो हमें बताएंगी चंचल शेट्टी, शी इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर, रेकी मास्टर एंड लाइफ कोच फ्रॉम मुंबई। माई सेल्फ इज डॉक्टर रितु अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर एंड को फाउंडर ऑफ द हीलिंग हैंड्स फ्रॉम गुवाहाटी। हम आपके बीच में इस शो के जरिए ये सारी चीज़ों को रूबरू करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम सब जान सके कि आत्मा की यात्रा कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। चंचल जी, वेलकम। नमस्ते, आत्मा नमन ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय सोल फैमिली, टू एंड डिवाइन एनर्जीज इन द ऑनर द डिवाइन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ सोल जर्नी। Where the topic itself is so divine, the soul is immortal. Thank you, Healing Hands, and thank you to the entire team for this beautiful platform. बहुत आभार और बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी। और today is the 14th day of this journey, so get going, and I would like everyone to just close their eyes for 1 minute and deep relaxation. We shall just raise our right hand and honor the divinity and the divine among the entire universe and divine in ourselves. And slowly, just keeping your right hand on your heart chakra, a gentle smile, and just you can open your eyes. Greetings to all and lots of love to all. Today, as a topic in this session of soul journey, where I am revisiting you with the topic stages of the soul. देखिए तो ऐसा है दोस्तों, soul journey, ये journey जो यात्रा है हमारी पृथ्वी पे, जो एक earth realm में जो हमारा एक school है, ये यात्रा हम क्यों करना चाहते हैं और इस यात्रा का क्या महत्व है? Why are we, born or we are reincarnated to learn this lessons in our life journey? Where we need to have some kind of, achievements, experiences, lessons. बोलते ना कि एक हर एक चीज का अच्छा बुरा
चीज क्यों हुई मेरे साथ, ये क्यों हुई है, ये एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते ये सारा ये चीजें आपको क्यों करनी है, बाय बाय, मतलब ये आपको सवाल तो उठता होगा कि ये जन्म मरण ये सब चीज क्यों है और ये सोल स्टेजेस क्या है। जिस तरह से हमको पता है कि जो भी लेसन्स जो भी चीजें हमने मतलब अकम्प्लिश की है ये लाइफ टाइम में, क्या ये चीजें हम अगली लाइफ टाइम में ले जाए, ये सवाल बहुत लोगों के दिल में दिमाग में जरूर आता होगा कि ये सारा विजडम ये सारा नॉलेज क्या हम अगली लाइफ में ले जाते हैं। दोस्तों जरूर ये सारी चीजें हमारे साथ अगली लाइफ में जरूर आती है एंड दैट इज द पॉसिबिलिटी के व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस जर्नी, व्हाई वी नीड टू यू नो अचीव समथिंग एंड नो क्रॉस दैट लेवल क्रॉस दैट स्टेज। जैसे कि बच्चा शिशु हम जब पैदा हुआ है उसकी एज कैसे हर एज हर मंथ से उसका जो बिहेवियर है उसका ना कुछ चेंज होता है, फिर हम उसको स्कूल भेजते हैं, फिर स्टैंडर्ड्स उनके डिफर होते हैं, स्टेजेस लाइक लेवल्स उनके डिफर होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्ट हम 10th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। तो ये तो होगी फिजिकल चीजों की, जैसे हम उम्र बोलते हैं कि बच्चा है, फिर उससे थोड़ा सा बेस पे आ जाता है and then becomes teenage and then थोड़ा सा maturity and then old age. So this reincarnation in the physical as well as soul level में ये stages हमको पार करनी पड़ती है और यही है जो essential चीजें हैं जहां पर हम life decisions ले पाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं life journey में उसी तरह से हमारी decisions भी होते हैं। बचपन में हमारा मन हमारा एकदम जो हमारी ये होती है प्रकृति वो बहुत चंचल होती है, फिर के बाद थोड़ी सी हमको थोड़ी सी सच थोड़ा सा जो हमारी ग्रोथ है एज के हिसाब से उस तरह से होती है। मगर ये बात भी है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे, why there is a difference between one person and the another person, so this difference is maybe it is beyond the years, someone is very wise, एक soul है या एक इंसान है वो बहुत समझदार है, दूसरा soul है वो उनको बहुत ज्यादा मतलब power की उत्पत्ति होती है, किसी और को ऐसा हो सकता है कि they behave very childish, so ये difference सबकी age में और सबके behavior में सबके you know जो भी उनका जो नेचर जैसा रहता है जो बिहेवियर रहता है वो क्यों डिफर करता है। आज हम सब फिजिकल लेवल पे अलग अलग हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हमारी सोच है, उसी तरह से एक्सपीरियंसेस द्वारा सोल की भी स्टेजेस अलग होती है। बेशक ये एक ही सोर्स से है मगर ये एक्सपीरियंसेस हमने चॉइस की है कि हम हमारी चॉइस है और ये फ्री भी है कि हमको ये एक्सपीरियंसेस लेकर अचीव कर कर इसको सीख कर इसको आगे बढ़कर हमें ग्रोथ हमारी एसेंशन हमारा जो भी है यू नो लैडर हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। ये जो स्टेप्स का जो है एसेंशन का जो प्रोसेस वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है ना कि नीचे की तरफ। सो ग्रोथ कैसी होती है, इट इज ऑलवेज इन द अपर डायरेक्शन, वो हमेशा ऊपर जाती है, कोई भी ग्रोथ नीचे को तो नहीं आती। सो उसी तरह हर एक स्टेज स्टेज बोलो एज बोलो इट इज गोइंग फॉरवर्ड इट इज नॉट कमिंग बैकवर्ड। अब फिजिकल की बात करें तो ये एज एक नंबर है ना, हम नंबर से हम यही पूछते हैं कि नो अरे इसकी एज कितनी होगी आपकी एज कितनी है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे बहुत सारे मेरे आसपास या मेरे वेल विशर्स दे ऑफन आस्क व्हाट इज योर हाउ ओल्ड आर यू व्हाट इज योर एज, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल कैसा, इट इज सच अ स्टूपिड क्वेश्चन यू नो। जब मैं बच्चे के साथ होती हूँ छोटी शिशु के साथ होती हूँ तो आई फील दैट आई एम अ वन ईयर ओल्ड बेबी प्लेइंग विद दैट, एंड अगर जब मैं कोई कार्टून फिल्म देख रही होती हूँ तो मैं उस तरह से वो मतलब एक 3 साल के बच्चे की तरह हो जाती हूँ
और जब हम म्यूजिक या मैं म्यूजिक सुनती हूँ तो उस म्यूजिक में जो रिदम होता है, डांसिंग मूव्स होते हैं, मुझे लगा कि मैं 16 या टीनेज हूँ. एंड जब मैं किसी से अपना एक्सपीरियंस या नॉलेज शेयर करती हूँ या उसे हीलिंग द्वारा जो भी है मेरे, तब मुझे लगता है कि आई एम अ मैच्योर सोल. एंड जब ये चीजें मतलब जुड़ जाती है एंड एंड इट इज प्रोसेस, लाइक हम अगर कोई पक्षी से बात कर मतलब चैट करते हैं या अगर मेरा जो पेट है मैं उसके साथ में बॉल से खेलती हूँ तो मैं उसी की तरह मतलब एक दैट बिहेवियर बिकम्स लाइक दैट. सो ये एज इज इट अ फैक्टर, डज इट रियली मैटर एंड इज इट ओनली अ नंबर? ये एक सिर्फ नंबर, एक गणित तो है, एक मैथमेटिक्स है ना, 1 2 3 ये गणित है. और जो भी है जैसे कि सूर्य की किरण, नदी का बहता हुआ पानी, इसकी क्या कोई एज है? सो व्हाई कांट वी फील दिस यू नो एजलेस सेंस और जो भी अवेयरनेस, मुझे तो ऐसे लगता है कि यू नो दिस इज जस्ट फ्लोइंग. एंड जब तक हमें ये याद नहीं है कि दिन के बाद रात है एंड रात के बाद दिन है और ये चीजें हमें एहसास दिलाती है, तब तक तो हम यही भाव में हो सकते हैं. एंड डेज आर लाइक यू नो दिस इज स्टिल देन, इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड आर यू एंड हाउ, इट इज ओनली द थिंग कि ये सब में ये एक्सपीरियंस में आप कहाँ तक पहुंचे हैं. आपकी नॉलेज, आपका जागृतता, आपकी चेतना कहाँ तक बढ़ी है, दैट इज ओनली द मेन कंसिडरेशन. So for us, like you know, age is just a number. And उसी तरह से soul के जो 5 stages है, which is you would like to know कि भी अरे soul के भी stages होते हैं क्या? और ये soul के stages क्या है? So according to the soul age study, man doesn't have single shot कि भी हाँ चलो एक ही शॉट में मैंने सारा कुछ पा लिया, सारा कुछ कर लिया, सारी कुछ अचीवमेंट्स होगी, अकम्पलिशमेंट्स होगी. हर एक चीज के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, लर्निंग चाहिए. तो ये चीज ऐसी तो नहीं कि एक शॉट में अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो आपने 10th की भी पढ़ाई कर ली, फर्स्ट में 12th की भी कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना. सो इसी तरह से सोल एज इज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेजेस, लाइक यू नो एडवांसमेंट, आपका सोल कितना एडवांस कर चुका है थ्रू आउट इट्स री इनकार्नेशनल जर्नी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लगे एक ही जन्म में मैं इतने सारे स्टेजेस क्रॉस कर लूंगी, मैं एक ही जन्म में ये सारी चीजें पाकर मैं मुक्ति पालूंगी या मैं मोक्ष पालूंगा या मैं यू नो हेवन और बहुत सारी चीजें हैं जो हम एनलाइटन पालूंगा. See, it depends how much inner work are you going to do. And ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसको बहुत वर्ष लग जाते हैं, बहुत हजारों वर्ष लग जाते हैं. So the thing is that जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपके कर्म पूरे हो रहे हैं, जैसे जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लान्स, जैसे हमने इस जर्नी में सारी चीजों के बारे में नॉलेज सुनी है और पाई है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, सोल प्लान क्या है, व्हाट आर कर्मास. तो जब तक ये कर्म और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे जैसे हम एक लेवल पार किया फिर दूसरे पे पहुंचे, दूसरा लेवल पार किया फिर तीसरे पे पहुंचे, जब तक हम ये नहीं करते एंड इट इज एन प्रोसेस टिल द टाइम यू रीच दैट इनफाइनाइट बीइंग व्हिच इज द प्योर कॉन्शियसनेस एट द एंड. एंड दिस इज अचीविंग व्हाट, फाइनल लिबरेशन. And this is what we are searching, and that is why we all are here. इसीलिए हम सभी इस जागरूकता के लिए और इस नॉलेज के लिए, इस यू नो विजडम के लिए हमारा प्रयास शुरू हो चुका है, ये जर्नी शुरू हो चुकी है. इसीलिए आप ये प्लेटफॉर्म पे इस सोल जर्नी के इस ब्यूटिफुल नॉलेज इस पे आप ये और
जो भी है आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, बिकॉज योर जर्नी इज स्टार्टेड. मेरा एक ही कहना है कि दिस इज नॉट बाय एक्सीडेंट वी ऑल हियर एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स. एंड ये जो है मेरा रिविजिट करना, आपसे फिर से मुलाकात करना, आपसे फिर से मिलना, एक दूसरे इंटरेक्शन करना, और इन दिस प्रोसेस आई एम लर्निंग मोर, आई एम रिसीविंग मोर नॉलेज. सो यही चीज है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस अवेयरनेस जागरूकता, उसी तरह से आपका अंडरस्टैंडिंग द सोल से क्या होता है कि एम्पथी प्राप्त की है कितने पैशन मिश्रण में हो एनहांसिंग द एक्शन वी द सोल्स फ्रॉम करते हैं तो फोर्स होता है, इमीडिएट होता है, फिर एडवांस से भी इंटरनल है एडवांस जब है स्टेज है. हम फाइव स्टेज में विस्तार में बात करेंगे आगे, तो सिक्स स्टेज है वो ट्रांसजेंडर स्टेट है, जहां पर आपको सिर्फ मात्र आपके सेल्फ एंड यूनिटी कॉन्शियसनेस का रियलाइजेशन होता है. सो कमिंग टू दिस द फाइव स्टेजेस के हो गए हमारी, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, फिजिकल लेवल में एक शिशु, फिर एक बच्चा, फिर एक टीनेज, फिर एक मैच्योर एंड एक प्री ओल्ड. ये फिजिकल हमारी लेवल की ग्रोथ है, जहां पर हम किसी को भी थ्रू जजमेंट हम बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा इतने साल का है, ये टीनेज इतने साल का है, ये हम एज उनकी डिसाइड करते हैं फिजिकल. Now come to the stages of the soul. Really, this is a process of how you have evolved. This is not a number. ये एक number के पर dependent नहीं है. It is only dependent on how you have evolved, how you have learned your lessons, how you have grown spiritually, and how you have gone to that stage of consciousness. So, friends, there are different stages of consciousness. The first one is the infant soul. The second one is the baby soul. The third is the young soul. And the fourth is mature soul. And the fifth is the old soul. Now, एक बात की मैं बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने five stages बताई है, but ये five stages itself पहुँचने के लिए वर्ष जाते हैं and हजारों साल लग जाते हैं. And the sixth stage is that which is called the elder soul. Transcendental soul. Coming to infant soul, now inka primary focus kya hota hai? It is just their survival instinct, that is being alive. And these souls are very basic in life skills, and mortality is like sirf jeene aur marne ke us pe rehta hai. And jo bhi hai inka age group hai is from 0 to 4. Now, these people are very, बोलते ना एकदम प्योर फॉर्म में होते हैं, एकदम रॉ, एकदम बोलते ना जैसे कोई एक नया फूल का जो बर्ड रहता है या एक फ्रूट का जो बर्ड रहता है, बहुत रॉ फॉर्म में रहता है. एंड इट इज वेरी प्लेफुल एंड एक्साइटेड एंड दे आर नॉट कंडीशन, दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड. मतलब वो ये बाहरी दुनिया की तामझाम के बारे में कुछ नहीं पता होता है. दे आर वेरी नेचुरल एंड दे आर लाइक वेरी चाइल्ड लाइक एंड दे लाइक टू बी इन नेचर एनवायरमेंट, बोलो नेचर में बोलो, मोर ऑफ अ ट्राइबल काइंड ऑफ, मतलब जैसे बोलते गांव के लोग, विलेज प्रकृति के होते हैं ये इन्फेंट सोल. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूबॉर्न सोल्स. सो these people what they perceive is like they are very ignorant and very childish in their behavior, innocent, and wo jo zindagi ke utar chadhav hai, jo complexities hai, unko nahi samajh pate.
एंड दे आर अपने ही दुनिया में रहते हैं, वेरी जेन्युइन एंड ट्रूथफुल इन बिहेवियर. दिस इज वेरी यू नो, एक नया शिशु कैसा होता है, उसको दुनिया की कोई कपट छल कपट कुछ नहीं पता होता है. इट इज वेरी इन द प्योर, तो मतलब इनका जो भी है, इट इज ओनली दैट दे आर अलाइव, दे आर सर्वाइविंग एंड दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली. जैसे एक नन्हा शिशु अपनी हर चीज के लिए अपनी माँ और घर वालों पे डिपेंडेंट होता है, उसी तरह से इन्फेंट सोल आर डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल ऑन अदर्स एंड दे आर मोस्टली यू नो देयर फ्रीडम, दे आर दे लाइक फ्री एनवायरमेंट. सो दिस इज द यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, या ये है इन्फेंट सोल की जानकारी एंड देयर एक्सपीरियंसेस व्हाट दे आर इनटू व्हिच stage. This is about the infant soul. Coming to the soul, the main thing is that their focus is only on belongings. Mera kya hai? Sampatti bolte hai na jisko. Mera meri sampatti. And they are more into rules and regulations. They are more into human relations and more into following the rules. What are the duties of oneself? Us pe zyada inka focus hota hai. And these people are in the age, these souls are in the age group of 4 to 30 years, and they are more dutiful and role defined. And jahan pe discipline aur zyada kar ye log bahut religious hote hai, बहुत ट्रेडिशनल होते हैं एंड दे हैव मोर कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ मेंटालिटी. यहाँ पे इनको होता है कि यू नो द रिलीजियस बिलीव आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर स्टेबिलिटी इज वेरी नो दे आर नॉट वेरी स्टेबिलिटी इज वेरी अनसर्टन इन द क्योटिक लाइफ एंड इट इज लाइक यू नो दिस पीपल हैव वेरी रिजिड behavior and rigid personality, जैसे उनका होता है ना कि ये चीज है तो यही है. And they are very conservative and rule bound. Rule bound is like, you know, they वो इस हिसाब से बहुत चलते हैं कि क्या शासन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, what is wrong, मतलब क्या सही कर है करना, क्या गलत करना है. And including they have their own motives, more into insights. And they think that bad behavior is sinful. तो अच्छा और बुरा, सही और गलत की परिभाषा में ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व होते हैं. Coming to the third stage, that is young soul, that is they are independent. They are not bothered about, but they have more of self-achievement. Their main thing is that they are more into personal advancement and they have too much of free will. And this age group follows in the category of 13 to 25, 29 years. And they are very ambitious, competitive, and their creativity or innovative is, you know, मतलब बोलते हैं बहुत वो लोग creativity उनका बहुत high होता है. And उसी के साथ में they are more into बोलते ना कि materialistic world. They are more into के मैंने क्या हासिल किया, मेरे aims, मेरा मतलब मेरी achievements, more focused into their own thing. They are very self-centered. मतलब वो खुद के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, उनका ईगो बहुत हाई रहता है. एंड दे आर ओनली फोकस्ड, यू नो, बस मुझे ये हासिल करना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरी जो भी है, मेरा मेरी आमदनी इतनी होनी चाहिए. सो दे हैव मोर एम्स इन लाइफ एंड व्हाट दे थिंक, यू नो, जो भी वो बोल रहे हैं उनकी बात ही सही है, बाकी वो किसी का मतलब किसी को कंसिडर नहीं करेंगे. और उनका परसेप्शन है वही परसेप्शन है, वो किसी और के जरिए नहीं सोचना चाहेंगे बिकॉज देयर ईगो इज सो हाई. एंड इनफैक्ट दे आर मोर फियरफुल फॉर डेथ, मृत्यु से उनका एक खास डर होता है. एंड दिस एज, दैट इज अ यंग एज, दोज हु आर यू नो आफ्टर डेथ, दे मे बी वेरी एंशियस, उनको बहुत ज्यादा एक एंजाइटी किस्म की फीलिंग होती है. एंड दिस मे यू नो समटाइम क्रिएट अ काइंड ऑफ सिम्बॉलिक, मतलब एक काइंड ऑफ डेथ से जो बोलते हैं ना दूर भागना, ये हमेशा रहता है. एंड यंग सोल्स हमेशा क्या करते हैं, यंग सोल्स का क्या होता है हमेशा कि दिस पीपल दे आर वेरी टू मच एंगेज्ड इन द मटेरियलिस्टिक रैम
एंड हमेशा हर एक चीज क्या पाया मटेरियल उस पे ही है उनका, मतलब चीजों को हासिल करना, चीजों को अकम्प्लिश करना. एंड दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है अपने आप से, आसपास के लोगों से, कि उनको अपने सिवाय कुछ नहीं दिखता. एंड दे आर वेरी वर्कहोलिक, मतलब उनका नेचर इज लाइक उनको सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमें, मतलब मुझे काम करना है एंड दिस इज माय एम. एंड दे आर नॉट इनटू द वर्क ऑफ देयर हायर ग्रुप. दे आर ग्रोइंग इन देयर मटेरियलिस्टिक दिस थिंग इन द फिजिकल एडवांसमेंट, बट नॉट एट द सोल लेवल. एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ, यू नो, एक्चुअली एंड not aware of their agenda as such, ki why they have taken birth in this life. Ignorant kind of a personality this is. So, and this is under the category of, you know, workaholic. Coming to the next thing is mature soul. Mature souls, they are, you know, interdependent and very harmonious. मैच्योर नाम से ही आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा मैच्योर हम किसको बोलते हैं, जहां पर एक्सपीरियंसेस गेन हुए हैं, एक मैच्योरिटी लेवल आया है, तो उसी से ये स्टेज जहां पर एम्पैथी ज्यादा है, दूसरे की एंगल से सोचना, दूसरे की तरफ से सोचना, दूसरों के तरफ की परसेप्शन इनकी बहुत ज्यादा रहती है. एंड दे आर वेरी, यू नो, साइकोलॉजिकल दे आर वेरी स्टेबल. And they are not, you know, dependent on any day-to-day routine or जो भी है उनके लिए ये सब चीजें ज्यादा ही नहीं. Relationships पे ज्यादा इनका focus होता है, self-awareness पे ज्यादा focus होता है. And this category falls, the mature soul falls under the category of 29 to 55 years. Then these people are very sensitive, these souls are very sensitive souls. And they are very, you know, cooperative in their nature, and they are able to handle all the situations. They are able to handle tough situations, life situations bolo, logo ko handle karna bolo. Inke matlab inke andar ek ek kudrat, matlab ek soul ki jo khasiyat hai, inke andar wo ubharti hai, because they have experienced that kind of a journey, and that is why they are more harmonious. And often this souls are called adult souls, where their perception of other beings is important also. It is not that only themselves, but they consider others also, and more of inner world, and they can understand the ups and downs of the life, the complexities, and you know, ek barik jo har ek बारीक चीज है हमारी लाइफ में, वो हर चीज को बोलो, मतलब इतना फोकस रहता है उनका, ध्यान रहता है हर एक छोटी सी छोटी चीजों को, वो इम्पोर्टेंस देते हैं. एंड आर वेरी मतलब जनरस, चैरिटी उनकी ज्यादा होती है, दे आर काइंड, वेरी काइंड हार्टेड, जनरस होते हैं. एंड सर्वाइवल रोल इज, यू नो, नॉट मतलब ओनली मटेरियलिस्टिक गेन, दैट रोल इज नॉट इनटू दैट कि हाँ, मैंने आज बंगला लिया, मैंने इतनी कॉस्टली ज्वेलरी ली, मैंने ये लिया वो, दैट इज नॉट देयर स्पून ऑफ वॉट एवर, यू नो, दैट इज नॉट देयर गेम. सो मोर इनटू जनरोसिटी. एंड this mature souls tend to question more about, you know, why this, they are more questioning from their, you know, inner experiences, ki ye cheez kyun, they can't contemplate zyada, unke sawal zyada hote hain aap se ki ye cheez kyun aisi hui hai, ye cheez kya hai, iska kya arth hai, ye is iska kya reason hai. So questioning and is more of inner work, and they are more of soul searching. Literally, they are searching themselves from within. So this is the main thing of mature souls. Now coming to old souls, this is like highly spiritual fulfillment. These souls are those souls, and they have covered all the four stages, where now they have come to such a state that non-attachment key quality, wise, you know, काउंसलिंग, वाइजनेस, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस की क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाती है.
खुद की मतलब खुद की मर्जी, स्वराज्य, उनको जो सही लगता है, मतलब वट एवर देयर हार्ट इज सेइंग, व्हाट इज देयर हायर सेल्फ इज सेइंग, दे आर मोर इनटू दिस. एंड दिस category, this stage, this level, this age, it falls under 55 plus of years. So this soul are more, you know, more into the process of reincarnational cycles, and this comes right at the end of reincarnational cycle. जैसे कि हमने start किया था and infant से जो ऐसा circle पे आकर ये फिर जाता है old soul, मतलब पूरी journey को you know accumulate करके ये old soul की जो है stage आती है. And this is already, you know, they have experienced all the four stages, and the old soul has now what? More of wisdom, more of knowledge. And this is what, you know, makes them more concerned about the world, more concerned about the relationships which they are sharing in the society, more concerned about what, why people are suffering, why, what is the reason, what, how can help others, more of giving nature. At this point, the old soul finds day-to-day life very uninteresting. Rozmarra ki zindagi unko bhati nahi hai. They find, you know, something more meaningful in life, more is there to give instead of, you know, acquiring. And they are very, you know, utterly very superficial, depressing us pe nahi hote, but the thing that their aim is to find their true expression and where the fulfillment is there. They are actually, the thing is that unki jo apne swayam ki santushti, self realization, self fulfillment zyada hoti hai in soul mein. And this age themselves makes them consciously participate, conscious ho jate hai wo, and they want more of learning and more of evolution in their journey. That is the focus on teaching, like, you know, they try to, you know, gain what they have gained and spread to give it to others. So this is the main quality of the old souls. Their own, they create their own design, jaise bolte na ek चित्र होता है, एंड उसी में वो सारी कुछ चीजें अपनी रचना करके उसी को एक मतलब एक होल ऑफ कॉन्शियसनेस मान ले कि ये सारी रचना जो जो भी एक सीनरी में हुई है, ये दिस इज व्हाट इज द सेल्फ एंड दिस इज व्हाट द सेल्फ एक्सप्रेशन. तो दिस इज व्हाट अबाउट, दिस इज एवरीथिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, द ओल्ड सोल. नाउ छोटा सा हम एक खुद की रचना बनाते हैं. वी आर एंड विक्टिम्स ऑफ एजिंग, सिकनेस एंड डेथ. दिस आर पार्ट ऑफ द सीनरी, नॉट द सीनरी इज इम्यून टू एनी फॉर्म ऑफ चेंज. This seer is the spirit, the expression of eternal being. So, friends, this is what, you know, ये जो journey है हमारी आपस की, हमारी आपकी सभी की. This is for our own growth, for our own, you know, evolution. Now, ये तो चीज आपको लगी रही होगी कि मैं ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे लेवल को मैं स्किप कर लूं और दूसरे जो भी है ये लेसन्स मैं एक ही लाइफ टाइम में नहीं हम लोग पार कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है क्या? आप अगर कोई मूवी की टिकट आपने ली है तो जीतू जी, नेक्स्ट स्लाइड. You must be feeling how, you know, जैसे ये एक चीज, मतलब एक ही बार में ये सारी चीजें नहीं हो सकती. बार बार जन्म लेना is very so boring. And why, you know, why we have to do this? Why don't we just give up? And we don't, क्यों मतलब छोड़ नहीं देते, समर्पण क्यों नहीं देते? क्या ऐसा हो सकता है? We just decide this is our last time. हमेशा हमारे पास ये कब चलेगा? लीला
कब तक चलेगा, हमेशा होगा और आता है ये लीला। इसका इसमें सच्चाई नहीं सकती, हमारी चेतना के लिए हमारा सोल ये चाहता है कि हम हर एक चीज को एक्सपीरियंस करें, हर एक कर्म को पूरा करें, हर एक ज्ञान को प्राप्त करें। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मूवी की टिकट ली आपने, आप ऐसा तो नहीं ना स्टार्टिंग का देखकर आपको लगेगा कि अरे बीच में मतलब इतनी घंटे मुझे बैठना पड़ेगा और मैं एंड का देखूं, तो क्या आपको वो मूवी समझ में आएगी, क्या उसका असर, क्या उसकी फीलिंग, क्या उसका जॉय, क्या उसका मजा आपको आएगा? आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने जो बीच की जर्नी वो तो मिस कर दी। सो दैट इज व्हाई माय फ्रेंड्स, दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट दिस level, which is at the level of spirit, and we know that all is one and all is love and all is joy. हम सभी खुशी के पीछे ही भाग रहे हैं, शांति के पीछे ही भाग रहे हैं। But क्या ये खुशी और ये शांति, क्या हमको लगता है जो हम material world में gain कर रहे हैं वो permanent है या वो temporary है? कुछ पल में आप बहुत खुश होते हो, कुछ पल में आप बहुत निराश हो जाते हो। So that is all very nice. ये सारी चीजें ठीक है अपनी जगह पर ये उतार चढ़ाव, because आपका जो चित है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, because ये चीजें कहाँ मतलब कब संतुष्टि पाओगे आप ये चीजों से, जब पूरी तरह से आप इसमें पूरी तरह से बह जाओगे, पूरी तरह से डूब जाओगे, तभी तो आपको पूरी जिंदगी का, पूरी जर्नी का, पूरी लाइफ का, पूरे आपकी जो चेतना का अनुभव आएगा। नाउ जैसे हम बोलते हैं ना कि मास्टर लेवल तक पहुंचना है, अब ये मास्टर लेवल तक पहुंचेंगे कैसे, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे, ये स्टेजेस पे देयर आर अगेन डिफरेंट लेवल्स, सो दिस आर स्टेप्स ऑफ रीइंकार्नेशन। अब ये रीइंकार्नेशन की जर्नी इतनी सरल नहीं है। एक स्टेज में आपके पास 7 लेवल है, जैसे कि बहुत लोगों को पता है, कुछ कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कंपनी ले ली, तो कंपनी में लोअर स्टाफ जैसे ग्राउंड स्टाफ से लेके मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ऐसे लेवल्स होते हैं। उसी तरह से पढ़ाई में भी होता है, जैसे आईबी स्टूडेंट्स को पता है ए लेवल होता है, बी लेवल होता है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स। उसी तरह से हर एक स्टेज में, हर एक सोल स्टेज में देयर आर डिफरेंट लेवल्स। सो इन ईच स्टेज देयर इज 7 लेवल्स। आप सोचिए हर एक स्टेज में 7 लेवल्स होते हैं। अब हमारे टोटल स्टेज कितने हैं? 5, एंड हर एक स्टेज में कितना लेवल है? 7। एंड इफ यू आस्क 7 × 5 = 35, अब ये सवाल है कि वाई नॉट 36 और वाई नॉट 10 और वाई नॉट 100? इट इज सिंपली बिकॉज अकॉर्डिंग टू द माइकल्स टीचिंग, दिस इज माइकल थ्योरी, सो वेयर ही हैज यू नो रिसर्च दैट ग्राउंड वर्क जो उन्होंने किया था, 5 major stages of evolution to reincarnation of the soul. Within each stage, there are 7 levels to be completed. Yes, my friends, how do you play a computer game? There are levels. आप एक level को पार करते हो, फिर आप दूसरे level, फिर आपको लगता नहीं मैं इस level को पूरी अच्छी तरह से करूंगा, पूरे mastery पाऊंगा और फिर मैं दूसरे level पे जाऊंगा. So like computer game, this journey, this soul stages and this process has some levels where you have to master yourself and then go to the next level. So in all, you can just see in the slide, there are 7 levels in each stage which comes to 35 steps.
नाउ इफ वी गो वेरी ब्रीफली लाइक यू नो हर एक स्टेज के बारे में अगर हम जानेंगे कि हर एक स्टेज का अपने ही में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे कि फर्स्ट लेवल में है, दिस लेवल इज द इनिशिएशन, द न्यू थिंग, द न्यू स्टेज, द न्यू यू. जैसे हम पहली बार पानी में अगर अपना पैर डालते हैं तो फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द न्यू कॉन्शियसनेस, दिस इज द फर्स्ट लेवल वेयर यू विल एक्सपीरियंस ओनली द बिगनिंग. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द बोलते ना एक जब बच्चा आंख खोलता है तो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट लेवल. जैसे आप आंख खोलते हो तो पहले आप सब चीजों को जानने की कोशिश, मतलब थोड़ी चीज पहचानते हो, थोड़ी नहीं पहचानते हो. So this is all about the first level. Now coming to the second level, this is more about you know building foundation. जैसे एक छोटा शिशु सभी अपने आसपास को लोगों को जानने की कोशिश करता है कि okay this is my mother. तो वो जब 3 महीने के cross, मतलब 3 महीने हो जाते तब वो थोड़ा सा familiarity हो जाती है कि this is you know ये face मुझे बार बार दिख रहा है and वो एक फाउंडेशन बन जाता है. दैट इज यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द ओल्ड एंड न्यू कॉन्शियसनेस. तो इस बीच में होती है ये जर्नी, पुराने जो मेमोरीज है, मतलब द प्रीवियस बर्थ की एंड द न्यू बर्थ की जो मेमोरी है वो दोनों की बेस बनती है. एंड वी कम टू द अंडरस्टैंडिंग दैट द एसेंशियल एंड डिफरेंट this higher level is you know what it is quite within us. So this is the second level is the building foundation level which is you know waiting andar bahar jaise jaate hain ki main ek stability nahi hoti hai andar bahar ke process mein hum hote hain. Now coming to the third level, this is again you know raising and then we are facing challenge. That is we are into commitment for ourselves and exploring the new consciousness. Coming to the fourth level, it is more of intuition. Jo bhi aapne in levels pe kiya hai, kaam kiya hai apne pe, it is bringing everything to that level, that is integration and relaxing into that, enjoying into that consciousness. You know, jaise humne pair paani mein dala tha, now you are enjoying that water. Aap us cheez ka ab you know मजा ले रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो उसमें, इस कॉन्शियसनेस में. नाउ वी आइडेंटिफाई दिस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज सेल्फ, दैट इज लाइफ एंड अदर्स, एंड दिस इज आवर ट्रूथ, दिस इज आवर ट्रू एसेंस. नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस लेवल, वी विल फुली इनकॉर्पोरेट द न्यू कॉन्शियसनेस इनटू आवर ओन बीइंग. So this is the fourth level where you are integrating all the you know experiences, all the lessons and all the teachings what you have gone through in the fourth level. Rituji, next slide please. Coming to the fifth level, this is more of expression, that is looking to one's own self, looking at one's own self, that is you know, and then you know what is that, when you look into yourself, when you look into your own being, you try to share this and communicate your new true life meaning with others, and that is what is drawn to broadcast. That is where you know openly try to reveal the truth and you express yourself. This is expression, this is the expressing. The sixth level is the demonstration, giving value and benefit to others and helping others in their journey, supporting others in their journey with your own experiences. यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों के साथ में demonstrate, जैसे practicality में हमारा ये हो जाता है कि ये सब चीजें experience की गई है, ये knowledge अगर कुछ चीज मैंने प्राप्त की है तो मैं चाहूंगी कि ये अगर जो बेनिफिट मुझे मिला है, जो लाभ मुझे मिला है, then what that benefit will be, I will not try to keep it to myself. I want to spread it to others. तो ये लेवल में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यू नो
You try to benefit others by giving your values and being a lifeguard. So there is this new consciousness and also the karma which is incurred the earlier step of this stage is like burn off. Sare ye level mein aapke karam balance hona shuru kar dete hai. Where your more this thing is, you know, finished and you are into the journey of more of giving nature. And where their expectation becomes less. And the seventh level, which is the mastery level and the peak performance. So ye level aise upar ko jata hai and it is the peak where we have complete understanding of our own and we have control over our awareness. Hamari chetna pe hamara pura control hota hai. And at this level, we know that what we are doing. Hame sahi aur galat. Ye do har ek dusre us vyakti se tab takkar hota hai. अगर ये चीज मेरे लिए सही है तो उस चीज जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति या जो भी हमारे साथ है हमारे सदस्य है फैमिली में या जो भी हमारे दोस्त है जरूरी नहीं कि उनके लिए भी ये सही होगा. सो नाउ वी नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग एंड व्हाट इज दैट व्हाट्स द नेक्स्ट एंड इससे क्या होगा. आपकी जब अंडरस्टैंडिंग आपकी अवेयरनेस बढ़ती है एंड आप दूसरों को समझने की यू नो क्षमता रखते हो कोशिश करते हो एंड वेयर योर परसेप्शन इज नॉट ऑलवेज द राइट यू कंसिडर अदर्स ऑल्सो एम्पैथी बढ़ जाती है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तब क्या उत्पन्न होता है प्योर कंपैशन प्योर लव एंड प्योर जॉय. सो व्हेन दिस जनरेटेड इन द सीक्वेंस ऑफ द सेवेंथ स्टेप and is repeated through each stage, which makes the whole consciousness from the beginning of reincarnation to the end, and then coming to the wholeness. And that is what we are all searching throughout our soul journey. And that is why we are at a spirit level, at an, you know, this is an essence of what we are and what we are, that is everything is love, everything is joy. And this is like very nice and very beautiful. But at consciousness, what? This is a long experience. And the more and more we experience this in our journey, the richness of life and fulfillment of life will be more towards it. And ये हम कैसे करते हैं ये कैसे होता है ये सीक्वेंस ये एक्सपीरियंसेस ये स्टेजेस ये लर्निंग ये इवोल्यूशन ये कैसे होता है. नाउ हमें तो पता है कि ये एक सोल एक एनर्जी बीइंग जो एक है इसके फ्रेगमेंट्स हर एक बर्थ में हर एक लाइफ टाइम में होते हैं. एंड ये सारे जब हम एक्सपीरियंस ये सारे फ्रेगमेंट्स ऑफ सोल जब हम एक इकट्ठा करते हैं and it becomes a whole new perception of our own being. This is what we have decided because it is our will. Humne ye choose kiya tha ki ye sare life sare reincarnation sare life journey mein sare soul journey sare births mein hum ye cheez ko experience karna chahte hain because it is your wish your will that you need to you know experience and then you have to grow and evolve. So it is completely chosen by us. There is no you know koi aisa to nahi hai ki hame kisi jaise humko kisi ne koi deity ne ya matlab koi logon ki aise god goddesses ne humko force kiya hai ki no you need to you know do all the process. No, it was chosen by us. It is our free will. हमने चूज किया है ये जर्नी ये सोल स्टेजेस जो है ये एक्सपीरियंसेस हमने चूज किए कि ये हमको अपने एवोल्यूशन के लिए हमारी ग्रोथ के लिए हमारे मोक्ष के लिए हमारे निर्वाण के लिए हमें ये सारी स्टेजेस को पार करना है इससे आगे बढ़ना है. एंड दिस इज वेयर एनी सोल कैन चूज टू अंडरगो द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ इन अ सेपरेट फिजिकल फॉर्म. And that is why we take birth in different physical form to, you know, experience those
lessons. Now, coming to lessons of each soul, ये हर एक soul के कुछ lessons होते हैं, जहाँ पर their main focus for first stage, that is the infant soul, उनका main focus क्या होता है? Being alive. And learning क्या है? उनका environmental awareness, survival. Yes, I am alive. जो experience उनका जो main learning है, it is only to physicality, life and death, survival पे पूरा dependent होता है. And baby soul का क्या focus होता है? Belonging to a culture. So they are more into religious, traditional realm, rules, roles, law, order. This is their main learning. क्या होता है? They are free. They are more and personal की ज़्यादा होती है. Mature, born to play, they with others. They are interdependent, more dependent relationships, and they are motivated. NS is towards self. So this is learnings. Old souls part of that we are part of this at the universe old soul and you know attached kisi bhi attached hone ki jo ye hoti hai samajh hoti hai usse bahut pare hote hain. They are very wise. वो रियलिटी को फेस करना जानते हैं, चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज देयर लर्निंग. सो दिस इज व्हाट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ सोल हैव देयर लर्निंग इन ईच स्टेज, एंड दिस इज हाउ द एवोल्यूशन इज यू नो ग्रोन एंड वी इवॉल्व एंड यू नो वी रीच टू दैट कॉन्शियसनेस वेयर ओनली वी सी everything as one consciousness, and we don't think that we are a separate thing, separate life from this origin. This sequence of seven levels are repeated throughout. The levels we decided are repeated throughout our life, throughout our incarnation process, and this is why you know the process becomes so long and lengthy until we learn our lessons, the last lessons, you know, what is and why we are here. The whole process is like, you know, there is nothing you can skip. Now, there is also one thing, ke aisa to kuch nahi hai na ki hame koi control kar raha hai aur humko kahega ki you know, this you can just jump from one standard to the graduation standard, aisa kuch nahi. But what is the natural dynamic of life, evolution and consciousness? So in the same thing, a baby human cannot grow into a responsible, you know, person or you know a professional career person. So there is a natural inevitable sequence to go through, and we ourselves have signed all this. We have created and we are only, जैसे बोलते ना हमने ही ये माया और ये लीला में हम खेल रहे हैं, जो भगवान की रचना, जो भगवान ने लीला रचाई है उसी के ये माया में हम, और ये माया बनाई किसने है? हमने खुद ने ही बनाई. तो क्वेश्चन इज दैट कि ये सारे प्रोसेस से हमें क्यों जाना? बिकॉज दिस इज वॉट आर सोल हैज क्रिएटेड, वी हैव क्रिएटेड. सो this process we have to you know learn experience and then you know evolve. And ye sari cheeze aisa nahi zaruri agar aap ek mature level pe ho, mature age pe ho, zaruri nahi hai ki us mature age mein, physical age mein aapki soul age old age ho, mature age hogi, stage hogi, not necessary. You can be a 50-year-old person with an, you know, baby soul. And at the same time, a baby soul can have a mature soul. A baby body
फिजिकल बॉडी कैन हैव अ मैच्योर सोल. इसका एक उदाहरण ऐसा भी है कि माय फ्रेंड, शी इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड उसका हमेशा यही मतलब एक वो उसके लिए दुविधा है, एक प्रॉब्लम बन गई है. शी सेज माय फैमिली पीपल आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी एंड ऑलवेज अगेंस्ट मी कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम अभी 50 plus होने आ रही हो, व्हाई आर यू बिहेविंग सो चाइल्डिश, क्यों तुम हमेशा एकदम जॉयफुल और हमेशा मतलब बचकान हरकत कर रही हो. And this is her problem. She's saying, मैं क्या करूँ, मेरा मतलब मुझे serious होना पसंद ही नहीं. I'm always like this. I enjoy to be like this. Now this is what, where maybe her soul is the baby soul and her physical personality, the physical age is 50 plus. So ऐसे भी होता है friends. It is not necessary. It is irrespective and not dependent on your physical age. Your soul age, your soul stage is not dependent on your physical age. And this is like, you know, बहुत सारे लोगों को ये कब होगा कि you know how much they have to evolve, how much they have to you know grow in their this journey. The thing is that 1 minute, Ritu ji, next slide please. So it is not necessary कि हम सभी को एक उसी उसमें होना चाहिए कि you know will think मेरा मैच्योर सोल है तो मैं मैच्योर वैसे बिहेव नहीं क्या. तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सोल एज. विद द स्टडीज एंड रिसर्च दिस इज लाइक यू नो वी हैव ह्यूमन पॉपुलेशन का जो भी रेंज है, द होल प्लैनेट दैट इज यू नो जो भी हमारे 7 billion पीपल है, 6 to 7 billion पीपल, द रेंज ऑफ देयर स्टेजेस इज ऑन एवरेज that is on the young soul. You can see the graph जहाँ पर young soul का graph बहुत ऊपर जा रहा है. In other words, we can say this is dominated by young souls more, where the primary focus क्या है आज की life में. अगर आप आज रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जी रहे हैं उसमें आप क्या देख रहे हो, लोग भाग रहे हैं, बस भाग ही रहे. किसके पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शौहरत के पीछे भाग रहे हैं, अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, सब कोई भाग रहे हैं कि मैं उससे आगे बढ़ूं, मेरे पास पैसे ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, बंगला गाड़ी. सो व्हाट इज दैट, दिस कंपटीशन नेचर, नो मैं उससे अच्छा करूंगी. कंपटीशन नेचर इज मोर एडवांसिंग एंड व्हेन ग्राफ इज वेरी एट हाई द पीक वेयर देयर इज यंग सोल स्टेज. सो फ्रेंड्स, this is what we need to understand. These are all, you know, temporary achievements and advancement. The main motive, the main purpose of our life, of our soul, is what we need to know. That we need to find out that why we are here, why we are taking birth again and again, why this is a whole, you know, process, why we are going through so much of, you know, ups and downs in life, why we are suffering so much. So jab tak ye why cheez aapke andar se nahi aati hai, ye peak yahan tak hi rahega aur fir ye journey fir se shuru hogi, fir ye journey fir se shuru hogi, and this process will keep on going. Coming to the next slide, for me, it's, you know, evolution is not built by age. It's an attitude built by experience. Hope everyone, you know, agrees to this. जैसे हमको पता है कि अगर घर में कोई बूढ़ी माता, बूढ़ी बूढ़े माता पिता है, वृद्ध माता पिता है, सो हम कैसे हम ये चीज को मान लेते हैं कि उनको जब वो उम्र से बूढ़े हैं तो उनको मैच्योर लेवल पे ही रहना है, या मतलब मैच्योरिटी से ही बिहेव करना है. इट इज नॉट नेसेसरी. कोई कोई घर में एक छोटा बच्चा भी बहुत मैच्योरिटी से बिहेव करता है. सो व्हाई इज दैट, क्योंकि देयर सोल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड सो मच ऑफ यू नो स्टेजेस एंड दे मस्ट हैव इवॉल्वड सो मच. सो इट इज नॉट दैट एवोल्यूशन इज नॉट डिपेंड अपॉन योर यू नो एज. इट इज ओनली मेजर्ड the attitude with which you have built your experiences. So the more you experiences you share and you have, you know, anubhav kiye, jitne sare
उतना ही ज्यादा आपका एवोल्यूशन, आप वो स्टेजेस, वो लेवल्स आप क्रॉस करोगे. एंड उसके आगे द मेन थिंग इज दैट यू विल कम टू दैट एल्डर सोल स्टेज वेयर एवरीथिंग इज वन एंड एवरीथिंग इज लव एंड एवरीथिंग इज कंपैशन एंड एवरीथिंग इज जॉय. सो फ्रेंड्स, ये जानने की तो उत्सुकता आप में सभी में होगी कि ये कैसे होगा. हाउ विल यू नो व्हाट स्टेजेस आर यू इन, ये लेवल्स और ये आपने कैसे ये किए हैं, कहाँ तक आप पहुंचे हो, आपकी जर्नी कहाँ तक आई है, आप कौन से सोल स्टेज पे हो, ये सारे प्रश्न भी आपके मन में जरूर उठेंगे. बट आप जानते हो ये प्रश्न का उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकती हूँ या रिंजी भी नहीं दे सकते. ये प्रश्न तो आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा. एंड ये आप अपने आप से कैसे पूछोगे, जब तक ये अंतर ध्यान, ये अंतर झांकना या इनर वर्क नहीं होगा, तब तक ये सवालों के जवाब आपको मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएंगे. एंड ये आंसर्स आप सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा ही जान सकते हैं. इसका सरल रास्ता और सिंप्लीफाइड एक रास्ता है, ध्यान और मेडिटेशन. ध्यान में बैठकर ही आप अपने अंतर मन, अपनी अंतर आत्मा से जुड़कर उसके एक्सपीरियंस, उसके एक्सप्रेशन को जानने की कोशिश करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप इस जर्नी में कहां तक, इस सोल स्टेज, इस सोल एज में आपने क्या क्या अनुभव किया है. ये सारी जो मेमोरीज है, ये मेडिटेशन है आपको दिखाई देगी, इनर वॉइस द्वारा आपको पता चलेगी, विजन्स आएंगे, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पर अब प्रस्तुत लाइफ में, इस मोमेंट में कहां पर आप खड़े हो, कहां पर आपकी जर्नी आई है और कहां और आपको जाना है. सो फ्रेंड्स, ये तो तय है, हम सभी इस जर्नी में एक मुसाफिर बनकर आए हैं और हमारी सभी की मंजिल, जितना भी करो, कोशिश करो, कोई पहले भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, बट सभी की मंजिल कहाँ तक है ये आप सब जानते हैं. हमारी जर्नी और हमारी मंजिल एक ही जगह पर जाती है, वो है पीस और लिबरेशन, मोक्ष. सो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन टुडे. और मेडिटेशन द्वारा हम जानेंगे अपने अंतर मन से, अपने हायर सेल्फ से, कि वेयर वी आर इन दिस स्टेज ऑफ आवर सोल जर्नी. सो चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अपने नजदीक पानी, या आप अभी चाय तो पानी पी सकते हैं, एंड जस्ट कीप सम वाटर बिसाइड यू. जस्ट टेक अ वेरी peaceful place where no one will disturb you. And if you want, you can just dim the lights and take a comfortable and very relaxed place. Now, today we'll be doing a meditation where I'll be playing crystal bowl. And you just need to relax yourself, and with the sound of the bowl, you have to focus on your breath. As the sound will keep on, you know, growing, your deeper connection with your higher self will be, you know, getting more and more intense. So, jis tarah se ye bowl play hoga, utna aapka deeper connection with your breath will start intensifying, कि बहुत गहरा होता जाएगा. My main this today's meditation ka purpose will be, you should get that connect with your breath. And when you connect with your breath, there is the thing where you will connect to your higher self,
And when that connection will be there, you could hear the inner voice. Some of you could see the vision, and some of you will have some, you know, voice from your higher self that, you know, some message, some guidance. So friends, after the meditation, if you would like to be in this energy, please be in this energy. Do not open your eyes. Just integrate this energy and relax completely. Okay? Hello, beautiful souls. Please sit comfortably with your shoulder relaxed, your spine in alignment, head, shoulder, spine totally relaxed and aligned with your self. Take a deep breath in and a deep breath out. As you inhale deeply, the sound of this divine crystal bowl is making you more relaxed. शरीर में किसी भी प्रकार का अगर तनाव महसूस हो रहा है तो उसको पूरी तरह से अपनी मन की आंखों से रिलैक्स कीजिए। इतनी लंबी गहरी सांस होती जा रही है, रिलैक्सेशन और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सांस लेने की प्रक्रिया हो रही है, यू आर ब्रीदिंग इन पीस एंड ब्रीदिंग आउट ऑल द टेंशन, ऑल द स्ट्रेस, ऑल द फियर्स, ऑल द एंजाइटी।
now, by the count of three, as your breath is more and more deeper, there is a beautiful connection with the source of light which is entering from the heaven, from the space, from beyond and beyond, and it is just entering from your head to your crown chakra, to your third eye, to your throat chakra, and then into your heart chakra. Now, as this beautiful golden white light which has entered into your heart chakra will be becoming more and more magnificent, luminescent, and intensify its light, and this will illuminate each and every part of the being. And part of your mind, your soul. Beautiful sound, white light on increasing and your entire being is full of this divine light.
This pure light is now fully illuminating in your entire being, and now it is ready for you to ask whatever you need to, and to know whatever you need to know. Spread this light to all your dear and dear ones. Call them, invite them, and spread this light of love, pure compassion, to all the living beings on this beautiful planet. Spread this light, and this light will again come to you with more of brightness, with more of light, as you radiate this pure light into your entire being, into your higher self. This pure light is now with you to guide you through your entire process, through your soul journey. Be with it. Called all the living beings into your light, radiating your light to them, there is a sense of gratitude within yourself. This gratitude is now multiplying into more of this beautiful light, which is spreading more and more, more and more, more and more into your being, into the entire universe.
this light has removed all the darkness of ignorance within yourself. You are completely immersed in this light. The big smile, you are into moon of knowing yourself. Slowly breathing in and breathing out. Bring your awareness to your breath. And then bring your awareness into your body. Slight movement in your hands and feet. Completely relax yourself. If you don't feel like opening your eyes, be in this energy. And when you are ready, you can rub both your palms and gently cup on your eyes. And put a smile on your face. If you feel like you can just open your eyes, or you can be in this. You can have some water. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Such a wonderful meditation and beautiful explanations on the stages of the soul. It's really a mind opening, you know. बहुत जरूरी था ये चीज हम सब जाने कि हमें लगता है कि उम्र से ही अभी तक हम इतने साल के हो गए हैं तो हम बहुत लर्नड हैं, इंटेलिजेंट हैं. तो एक्सपीरियंस काउंट्स, द एज इज जस्ट अ नंबर. बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है. और कई जन्मों से जो भी हम सीख रहे हैं, आज भी आप जो यहाँ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कोई मास्टर के सानिध्य में कुछ सीख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब हम मर जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, वो ज्ञान भी ख़त्म हो जाता है. वो सारी नॉलेज, वो सब कुछ हम वापस से फिर जन्म जब होता है तो वो हम लेकर आते हैं. और इसका प्रमाण अक्सर हमने देखा होगा अलग अलग लोगों से जब हम मिलते हैं. कुछ हमारे टीवी शोज होते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत ही कम आयु में वो ऐसी चमत्कारी चीज़ कर जाते हैं जो उनके माँ बाप में होती ही नहीं है. उनके इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली में वो चीज़ें नहीं है, पर वो बच्चे कर पाते हैं.
जैसे कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कुछ भी चीज में हो सकता है, तो उसने अपने प्रीवियस लाइफ में वो सारी चीजें सीखी थी। सोल सोल को पता है, उसको वो चीज आती है, बस उसको एक किक की जरूरत होती है। जब वो एक न्यू लाइफ में आता है, उसको एक मास्टर अगर सही तरीके से कोई मिल जाए, तो वो सोल तुरंत उसको हेल्प करता है उस चीज में आगे बढ़ने के लिए। तो जितना आप सीख सकें, सीखते चलिए, पढ़ते चलिए, जानते चलिए, तो वो आपको हमेशा, ये एक ऐसा ज्ञान है, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा। कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई इसे चुरा नहीं सकता, इतनी ब्यूटीफुल ये चीज़ है। तो हमेशा ज्ञान को पहला दर्जा दे, जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जिससे भी मौका मिले, जरूर सीखिए, अपने आप को इवॉल्व करिए, आगे बढ़ते चलिए। और ये मेडिटेशंस के जरिए भी आप अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। कोई कोई हर दिन आप जान रहे हैं, हर स्पीकर आपको यही बता रहा है, मेडिटेशन इज अल्टीमेट, दिस इज बियॉन्ड, इसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते कि इतनी देर करना है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। मतलब आपको करना ही है। इफ यू रियली वॉन्ट टू नो हु यू आर, वाई यू हैव कम हियर, वॉट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ, वॉट इज द एज ऑफ योर सोल, एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू मेडिटेट। सो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी मेडिटेटिंग लाइफ, कीप मेडिटेटिंग वेन एवर पॉसिबल। दिस इज ऑल वॉट आई कैन से फ्रॉम दिस माई ओन लर्निंग। चंचल, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें जो हम आपने हमारे साथ शेयर करी, और सब व्यूवर्स को आई होप कि बहुत अच्छी से जानकारी मिली होगी, और वो भी बहुत जान पाएंगे कि दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, दिस टॉपिक वॉज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। सो माई डियर फ्रेंड्स, अभी और हमारे आगे 1 वीक की जर्नी और रहेगी। ये सेशंस जो सीरीज है 3 फरवरी तक चलेगा, और एवरी डे इवनिंग 6 o'clock से प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक लाइव पे, फ्रॉम द पेज द हीलिंग हैंड्स। वी ऑल्सो हैव द सेम पेज इन यूट्यूब, द हीलिंग हैंड्स। आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आता है तो उसे कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने नियर एंड डियर वंस को भी इन चीज़ों के बारे में बताएं। कई बार जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, और हमें फील होता है, पर हम किसी से शेयर बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो कई बार वो चीज़ें हम कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ मूवी के माध्यम से बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हो सकता है कि एक आपका छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी को बदल दे। तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।